ठीक है सही। ये हमारी टैंक की लाइन है, इस टैंक की लाइन से टी पॉइंट बना दिया है। टी पॉइंट से इसको एक एल्बो लेंगे, ये सिंगल लाइन की फिटिंग है। सिंगल लाइन से क्या है, जब आप मोटर चलाएंगे सारे टोटियों में मोटर का पानी आएगा, और जब मोटर बंद कर देंगे फिर टैंक का पानी शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, ये सावर है, मिक्सर पॉइंट बनना है इसमें सिंगल लाइन का। इसमें क्या है, एक टैंक की लाइन जो आई है, टैंक और मोटर की सिंगल लाइन आई है, इसमें टी पॉइंट बना दिया है। टी पॉइंट बनाकर यहाँ पर हम एक एल्बो लगाते हैं, ये देखिए, इसको यहाँ से नापते हैं डिस्टेंस इसका, ये 6 इंची है, 6 इंची है। इसको पाइप को 6 इंची काटते हैं, ये सब इससे काटा कपड़े से, ये जो इसकी जो काटते हैं इसका वो बालू आ जाती है, इसको कपड़े से साफ करते हैं, और एल्बो को भी साफ करेंगे। साफ करने से क्या होता है, जो गंदगी होती है वो उसका सलूशन में लगने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इसको हल्के से एक राउंड लगाते हैं, ये लग गया, और इसको इसमें ऐसे राउंड लगाते हैं, फिर इसको लगाकर हल्का सा घुमा देते हैं ताकि ये ट्यूब की चूड़ी बन जाए। फिर क्या होता है, इसको हम लगाते हैं, ये टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट से हम कनेक्शन ले रहे हैं, ये टैंक का है, देखते जाइए। एल्बो लगाता हूं, यहां सादा एल्बो लगेगी क्योंकि यहां पर एक मोड़ है, यहां सादा एल्बो लगती है। इसको हम नापते हैं 69 इंच, देखते जाएंगे। एक छोटी सी एल्बो यहाँ पर लगाएंगे, इसको देखते जाइए, इसका डिस्टेंस नाप लेंगे, यहाँ एक टंकी नहीं लगेगी। ये देखिए, ये टैंक की जो लाइन है, टैंक और मोटर की दोनों लाइन है, यहाँ टी लगा दी हमने, और लगाकर एक एल्बो से यहाँ पर पॉइंट चढ़ा दिया है। देखते हैं ये इस एल्बो को क्या होता है, वहां गीजर लगेगा, और गीजर के अंदर पानी इस टैंक से जाएगा वहां पर, और वहां से गर्म करके अभी मैं दूसरी लाइन डालूंगा, आप देखते रहिए। देखिए, ये जो लाइन है टैंक और मोटर की दोनों की लाइनें हैं, ये सिंगल लाइन की लाइन है, फिटिंग है। इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पर सावर के पॉइंट से पहले
रोटी जो लगती है, इससे पहले मैंने एक टी पॉइंट बनाया है। टी पॉइंट से एल्बो को लगाकर इसको यहाँ मैंने फिटिंग किया है। और देखते हैं यहाँ पर जब गीजर पॉइंट लगेगा, जब यहाँ मान लीजिए ये गीजर लगा है, ठीक है ना, इसका जो टैंक का पानी है, इस गीजर में एक पीवीसी कनेक्शन लग के इसमें पॉइंट जाएगा। और ये गैस गीजर है, इसको गर्म, जब पानी गर्म हो जाएगा गीजर में से, तो एक पीवीसी कनेक्शन आके इसमें लगेगा। लगने के बाद जब हम गैस गीजर को ऑन करते हैं तो गर्म पानी हमें इस टोटी से मिलेगा। ये टोटी गीजर की है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये पानी उस टैंक में जाएगा, गीजर में जाएगा, और गीजर से गर्म होकर पानी इस पॉइंट में आएगा गर्म होकर। और ये जो टी पॉइंट मैंने बनाया है, इसमें अभी एक टी बनेगी, टी पॉइंट लगेगा इसमें। एक टोटी, एक जैसी ये टोटी लगी है वैसी टोटी यहाँ बराबर में आएगी। बराबर में आने के बाद यहाँ पर एक कंसील लगेगा जो सॉवर को ऑन ऑफ करने का होता है। एक लेवल है, इसमें एक कंसील है, इसमें जो एरो बना है, जो तीर है, एरो है, उसका जो सिंगल कोर है वो ऊपर रहेगी। एरो, ये एरो है, एरो ऊपर रहता है, जो टूबे एरो है वो नीचे रहता है। इसको यहाँ पर इस तरीके से नाप लेते हैं।